टीवी, अखबार और सोशल मीडिया, इन सभी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर छाए हुए हैं। एस जयशंकर के बयान इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों को विदेश मंत्री एस जयशंकर का नो नॉनसेंस एटीट्यूड बेहद पसंद आ रहा है, यानी सीधी बात, नो बकवास। अमेरिकी दौरे पर गए एस जयशंकर ने अपने जवाबों से लोगों को अपना फैन बना लिया है। चाहे मानव अधिकार हनन के आरोप हों या रूस से गैस और तेल की खरीद, एस जयशंकर के जवाब शानदार थे। और अब चीन भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दीवाना हो गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन रिपोर्ट छाप रहा है, जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की चीन लगातार तारीफ कर रहा है। अब एक बार फिर चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लिया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स की ये टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने अमेरिका को मानव अधिकारों के मामले पर दो टूक जवाब दिया था। अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि आजाद भारत को मानव अधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद कर दे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि अमेरिका अपनी महानैतिकता को अपने पास ही रखे और उभरती हुई शक्तियों से ढंग से पेश आना सीखे। आपको याद दिला दें कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर नजर रख रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि भारत भी अमेरिका में मानव अधिकारों के हालात पर नजर रखता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत के बारे में एक तरह की लॉबी और वोट बैंक इस तरह के मुद्दों को लाती है। लोग हमारे बारे में अपने विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन हम भी उसी तरह उनके बारे में अपने विचार रखने का हक रखते हैं। दूसरों के मानव अधिकारों को लेकर हमारी भी एक राय है, खासकर जब इसका संबंध हमारे समुदाय से हो।